गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंग्लिश सेकंड, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर टू। इट इज़ अबाउट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न व्हाट इज़ अ सेंटेंस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज सेंटेंस। नाउ इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। ओके, हियर रीड एंड सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो एंड है ये गलत है, सो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड लर्न। यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंसेस है इनको रीड करना है और फिर इसको हम आगे क्या करेंगे, इसके पार्ट्स देखेंगे। ओके ओके, द पर्सन और थिंग स्पोकन, दैट इज सब्जेक्ट एंड पार्ट बी टेल अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, लिव इट। सबसे पहले देखते हैं द गर्ल इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। फर्स्ट पिक्चर में क्या बता रखा है, द गर्ल इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इन सेकेंड पिक्चर A clock tells the time. A clock that tells the time. In third, the cow is grazing. The cow is grazing. And last picture, Sundar plays game. ये जो यहाँ पर है ये 1, 2, 3, 4, ये फोर सेंटेंस है, इसके टू पार्ट कर रखे हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन यहाँ लिखा है, सेकंड यहाँ लिखा है, इसको हमको कंबाइंड करके पढ़ना है। ये जो पिक्चर्स है इसकी डिटेल बताता है ना। फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ये जो गर्ल है कॉफ़ी पी रही है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है पूरा इसके दो पार्ट बताने हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वो है चीज़ है जो हमें, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो पर्सन है या वो जो चीज़ है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में हमने आगे जो बात की वो क्या होगा, वो उसका प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की है तो हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने किसके बारे में बात की, लड़की के, तो वो सब्जेक्ट में काउंट होगा, और लड़की क्या कर रही है वो प्रेडिकेट काउंट होगा। ओके, तो व्हाट अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज नॉन एज सब्जेक्ट एंड टेल अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, सो हियर द गर्ल, लड़की के बारे में बात की हमने, द गर्ल, सो द गर्ल इज सब्जेक्ट एंड इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। अब लड़की क्या कर रही है, इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी पी रही है। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में हमको जो डिटेल दे रखा है, जो ब्रीफली डिस्क्राइब कर रखा है, वो प्रेडिकेट कहलाएगा, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लॉक है, तो क्लॉक जो है इसमें है, क्लॉक हमें टेल्स द टाइम, तो किसके बारे में बात हो रही है, क्लॉक के बारे में, तो हम अ क्लॉक यहाँ लिखेंगे, अ क्लॉक, और क्लॉक क्या करती है, टेल्स द टाइम, उसको हमने अलग से सेपरेट कर लिया तो वो प्रेडिकेट हो गया। ओके, थर्ड वन इज द काऊ, द काऊ किसके बारे में बात कर रहे हैं, काऊ के बारे में। अब काऊ क्या कर रही है, इज ग्रेजिंग, घास चर रही है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, काऊ के बारे में, तो काऊ हो गया है प्रिडिक्ट सब्जेक्ट, और वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रहा है, वो प्रिडिकेट हो गया। ओके, फोर्थ पिक्चर, सुंदर, ये लड़का है सुंदर, सो सुंदर प्लेइंग गेम्स, क्या कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, तो प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से हमने हर सब्जेक्ट को क्या किया है, दो पार्ट में बांट दिया है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके बारे में हमने क्या बात की वो प्रेडिकेट कहलाता है। ओके ओके, अब इन दिस सेंटेंस देयर इज अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज नॉन एज सब्जेक्ट, तो आप इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, इस लाइन को, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है इसको आपको अंडरलाइन करना है। ओके, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये चारों को डिस्क्राइब करा है, द गर्ल, द क्लॉक, द काऊ और सुंदर। ओके, तो ये सब सब्जेक्ट हैं क्योंकि हमने इसके बारे में बात की, इस स्पोकन अबाउट, इस स्पोकन अबाउट का मतलब है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पार्ट क्या कहलाएगा, दैट इज सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके बारे में हमने क्या बात की वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे, एंड समथिंग सेड अबाउट इज
द सब्जेक्ट इज़ नॉन एज प्रीडिकेट. अब प्रीडिकेट की डेफिनेशन क्या होगी? समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रीडिकेट. ओके, तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे. ओके, ये ठीक है. तो इस ये आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं, ये सब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, प्रीडिकेट के. और यहाँ से हम पढ़ेंगे, ऑल द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. तो सारे सेंटेंस जो भी हम बोलते हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. उस द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो आप ये जो डेफिनेशन सब्जेक्ट की और प्रीडिकेट की, ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ये यहाँ से आप लिखेंगे. ओके, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. अब आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है कि आपको यहाँ से पॉइंट बी जो है ये मैंने अंडरलाइन किया है, सबसे ऊपर आप यहाँ पर यूनिट टू लिखेंगे, मेंशन करेंगे अपनी नोटबुक में, ग्रामर नोटबुक में. ऊपर टाइटल लिखेंगे, टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. ये अलग फर्स्ट लाइन में शो होगा, ये सेकंड लाइन में शो होगा, क्योंकि ये टाइटल है और टाइटल में हम क्या पढ़ेंगे, उसके कौन से पार्ट है वो ये पढ़ेंगे हम लोग. देन यू हैव टू राइट पॉइंट बी, ऑल द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड सेकेंड दैट विच टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट. तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन किया 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके, अब एक्सरसाइज, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, और डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू टू पार्ट्स. हमको जो भी एग्जांपल में सेंटेंस दिए हैं उसको हमको टू पार्ट में डिवाइड करना है, उसका सब्जेक्ट हमको अलग से उसको आइडेंटिफाई करना है और प्रीडिकेट को हमको अलग से आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो हम ये पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. ओके, तो जैक एंड जिल, किसकी बात की हमने, जैक एंड जिल, इसको आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, वेंट अप द हिल, कहाँ गए थे, पहाड़ पर. जैक और जिल कहाँ गए थे, पहाड़ पर. तो जैक एंड जिल सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा और प्रीडिकेट में वेंट अप द हिल, इसको हमने यहाँ पर अलग से आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, इन सेकंड एग्जांपल, अ बाइसिकल हैज़ टू व्हील्स. जो एक बाइसिकल होती है उसके टू व्हील्स होते हैं. तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अ बाइसिकल, एक साइकिल के बारे में. तो आप यहाँ पे इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे, अ बाइसिकल, और इसकी क्वालिटी क्या हैज़ टू व्हील्स. तो यहाँ मेंशन करेंगे हैज़ टू व्हील्स. तो इसका जो बचा हुआ पार्ट जो है ये हम यहाँ पर प्रीडिकेट में लिखेंगे, फर्स्ट सेक्शन हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे. थर्ड वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है. तो द सन हमने किसकी बात की है, सन की. तो सन हमने यहाँ लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, फोर्थ वन, द काउ गिव्स अस मिल्क. गाय हमें दूध देती है. फोर्थ, द काउ, किसके बारे में बात की हमने, काउ, और काउ हमें क्या करती है, दूध देती. तो गिव अस मिल्क, यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट वन, द बॉय स्टूड ऑन अ स्टूल. लड़का स्टूल पे खड़ा है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की. तो हमने बॉय लिखा यहाँ पर, द बॉय स्टूड ऑन अ स्टूल. ओके, स्टूल हो गया, डन. ओके, सिक्स वन, द बुक इज अ डिक्शनरी. दिस बुक इज़ अ डिक्शनरी. ये जो बुक है एक डिक्शनरी है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बुक की. तो द बुक, दिस बुक लिखा हमने यहाँ पर, दिस बुक और इज अ डिक्शनरी. ओके, नेक्स्ट वन, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल. आयरन और कॉपर जो होते हैं वो यूजफुल मेटल होते हैं. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन कॉपर की. तो हमने यहाँ पर आयरन एंड कॉपर लिखा, एंड इज यूजफुल मेटल, आर यूजफुल मेटल. तो आर यूजफुल मेटल हमने प्रीडिकेट में लिखा है. नेक्स्ट, सम बॉयज आर लेजी इन द क्लास. क्लास में कुछ बॉयज जो हैं बहुत ही लेजी हैं. तो सम बॉयज की बात करें, सम बॉयज को हम यहाँ निकाल लेंगे, आर लेजी इन द क्लास, इसको यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया हमने, आर लेजी इन द क्लास. नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है, नुकसानदायक है. तो स्मोकिंग किसकी बात करें, हम स्मोकिंग की, स्मोकिंग लिख दिया. और बचा हुआ पूरा रेस्ट सेंटेंस जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, इज इंजूरियस टू हेल्थ. लास्ट वन है, द बर्ड फ्लाइज हाई. तो आपको किसकी बात करें, द बर्ड्स यहाँ लिखना है, फ्लाइज हाई यहाँ लिखना है. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और ये हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आइडेंटिफाई हो जाएंगे. ये जो दोनों सेक्शन है इसका एक पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको आपको देखकर समझकर अपनी बुक में फिलअप करना है. ओके,